इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल आखिरी गेंद पर गप्टिल हुए रन आउट। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल मैच में इंग्लैंड के हाथों न्यूजीलैंड को मिली हार के बाद कीवी खिलाड़ी मार्टिन गप्टिल को लेकर ट्विटर पर तरह तरह की बातें होने लगी है। पूरे टूर्नामेंट में खराब फॉर्म से जूझ रहे न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल ने फाइनल में 18 बॉल पर 19 रन बनाकर आउट हो गए और इसके बाद कीवी टीम निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेट पर कुल 241 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड की टीम 50 ओवर में 241 पर ही ऑल आउट हो गई। मैच सुपर ओवर तक जाम पहुंचा और पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने 15 रन बनाए तो वही कीवी टीम ने भी जवाब में 15 रन ही बना सके, लेकिन मैच जहां फंसा वहां भी गप्टिल ही मैच के मुजरिम माने गए। सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे और पहली बॉल फेस कर रहे गप्टिल ने जोर से शॉट लगाया और 2 रन के लिए दौड़े, लेकिन गप्टिल अपना दूसरा रन पूरा ना कर सके और रन आउट हो गए और मैच एक बार फिर बराबरी पर खत्म हुआ। गप्टिल के इस रन आउट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सेमीफाइनल में एमएस धोनी के रन आउट की वो तस्वीर शेयर की जिससे मैच भारत के हाथ से निकल गया था। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कर्मा का कोई मेन्यू नहीं होता है, आपको वही मिलता है जिसके आप लायक है। इसके साथ ही तस्वीर शेयर की गई जिसमें लिखा था कि जैसी करनी वैसी भरनी। नितिन माथुर ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि एक थ्रो आपको फाइनल में लेकर आई और दूसरी थ्रो ने आपको बाहर कर दिया। नरेश कुमार ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से ऐसी ही तस्वीर शेयर करते हुए कहा है और गप्टिल पर निशाना साधा है। बता दें कि मैच में कम से कम 4 मौके आए जब गप्टिल का प्रदर्शन टीम को निराश कर गया। मार्टिन गप्टिल इस मैच में 18 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हुए। वे क्रिस वोक्स की गेंद पर LBW करार दिए गए। गप्टिल साफ आउट थे, इसके बावजूद उन्होंने DRS ले लिया। थर्ड अंपायर ने ना सिर्फ उन्हें आउट दिया बल्कि न्यूजीलैंड ने अपना DRS भी गवा दिया। अगर गप्टिल ने DRS नहीं गवाया होता तो रॉस टेलर आउट होने से बच सकते थे। दरअसल उन्हें अंपायर ने LBW आउट दिया था लेकिन गेंद स्टंप से दूर थी, यानी कि गप्टिल का DRS लेने का फैसला न्यूजीलैंड के लिए दोहरा आघात साबित हुआ। इंग्लैंड को अंतिम 3 गेंद पर जीत के लिए 9 रन चाहिए थे, तभी बेन स्टोक्स ने मिड विकेट पर शॉट खेला। गप्टिल ने थ्रो किया लेकिन स्टोक्स ने रन आउट से बचने के लिए डाइव लगाया। गेंद उनके बल्ले से टकराकर बाउंड्री लाइन पार कर गई और इस तरह जहां 2 रन बनने थे वहां 6 रन मिल गए। इससे इंग्लैंड लक्ष्य के करीब आ गया और इसे आप संयोग कह सकते हैं, लेकिन यहां भी गप्टिल ही थे। इसके बाद न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में जीत के लिए आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे, यहां पर भी स्ट्राइक पर मार्टिन गप्टिल ही थे। उन्होंने मिड विकेट पर शॉट खेला और दौड़ पड़े। उन्होंने 1 रन पूरा किया भी लेकिन दूसरा रन लेते हुए आउट हो गए। उनके पास 1 गेंद पर 2 रन बनाकर अपने टीम को चैंपियन बनाने का मौका था, लेकिन ये खिलाड़ी सुपर ओवर की समाप्ति पर रन आउट होकर पेवेलियन लौटता हुआ नजर आया। बता दें कि ये पूरा विश्व कप ही मार्टिन गप्टिल के लिए खराब रहा। उन्होंने इस विश्व कप के सभी 10 मैच खेले और गप्टिल ने इन 10 मैच में 20.66 की औसत से सिर्फ 186 रन बनाए। उनका सर्वोच्च स्कोर रहा 73 रन, यानी अगर उनकी इस पारी को हटा दे तो उन्होंने 9 पारियों में महज 113 रन बनाए। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।